बड़ी स्क्रीन पे चीजें देखने में सबको बहुत मजा आता है, लेकिन बड़ी चीजों के अलावा जिस चीज से हमें और ज्यादा प्यार होता है वो है पैसे बचाने से। तो आज की इस वीडियो में इसलिए मैं लेकर के आया हूं कंपैरिजन इन दोनों टैबलेट्स का। ये है एक आईपैड प्रो M1 चिप के साथ में 11 इंच का। इसको जब मैंने खरीदा था तो ये 81,000 का था। उसके अलावा अभी इसको आप 80,000 के आसपास में ले सकते हो। एंड ये है ओप्पो पैड एयर। इसका मार्केट प्राइस वैसे तो अभी 17,000 के आसपास चल रहा है, बट बैंक ऑफर्स को लगा करके तुम इसको अप्रोक्स 15,000 तक ले सकते हो। ये जैसे मैंने बताया ये 11 इंच का लिक्विड रेटिना LCD डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और HDR10 डॉल्बी विजन के साथ, और पीक ब्राइटनेस 600 निट्स की। क्योंकि इसमें लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है तो इसकी जो कंटेंट व्यूइंग है वो बहुत अच्छी लगती है। इसका डिस्प्ले 10.36 इंच का है जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है 1B कलर गैमेट के साथ में, और इसकी पीक ब्राइटनेस 360 निट्स है। इसका जो स्क्रीन रेशियो है वो थोड़ा 16:9 के हिसाब से बना हुआ है, एंड ऊपर से इसका कैमरा यहाँ ऊपर बीच में है तो वीडियो कॉल देने में थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। इसमें जब आप कंटेंट व्यू कर रहे होते हैं तो फिर कोई ऊपर ब्लैक बॉर्डर्स नहीं आते हैं, बल्कि आईपैड में वो आते हैं बिकॉज उसका एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा चौड़ा है। तो अगर आईपैड और इसके बीच में कंपैरिजन करो तो फिर अगर धूप में जाकर कंटेंट देखना है तो आईपैड में ज्यादा इजी रहेगा। इसमें 8GB रैम है और 256GB स्टोरेज है, जो कि मैंने वेरिएंट लिया, बट इसके और भी ज्यादा वेरिएंट्स अवेलेबल है। इसमें एप्पल की M1 चिप लगी हुई है। ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये 64GB 4GB रैम वाला है, बट इसमें मैं एक SD कार्ड लगा करके इसको 1TB से ऊपर का बना सकता हूँ। इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 680 मिलता है जो कि M1 चिप के मुकाबले कम पड़ जाता है। मुझे एक्चुअल में नहीं पता तुम में से कौन से ऐसे लोग हो जो कि इस टैबलेट को यूज करोगे वीडियो बनाने के लिए, या किसी भी टैबलेट को यूज करके वीडियो या फिर फोटो खींचने के लिए। जिन लोगों को जानना है उनको मैं बता दूं, इसके पीछे में सिर्फ एक कैमरा देखने को मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, और वो सिर्फ 1080 30 फ्रेम्स पर सेकंड में शूट कर सकता है। और रही बात फ्रंट की, तो फ्रंट में हमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि सेम 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट कर सकता है। पीछे हमें 2 कैमरास और एक लाइडर सेंसर देखने को मिलता है। इसका मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी कैमरा 10 मेगापिक्सल का। ये 4K 24, 25, 30 और 60 FPS तक शूट कर सकता है। इसके फ्रंट कैमरा को यूज करके भी 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक हम एक वीडियो बना सकते हैं, और ऊपर से इसका फ्रंट कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का है। बट क्वालिटी वाइज एप्पल का जो आईपैड का क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, बट इसको मैं वीडियो कॉलिंग से ऊपर लेके जाने के लिए नहीं रिकमेंड करूंगा। इसमें 7,538 mAh की बैटरी है जो कि 18 वॉट फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, और इसका चार्जर डब्बे में इंक्लूडेड आया है। इसकी बैटरी 7,100 mAh की है और ये भी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और इसका भी चार्जर डब्बे में आता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा तो डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन इन दोनों का एक्जैक्टली सिमिलर है एक्सेप्ट फॉर द बैक। इसमें डबल टोन दे रखा है एंड सिंगल कैमरा दिया हुआ है। वहीं हमारे यहाँ पे एक यूनिबॉडी डिजाइन है इनके एंटीना बैंड के साथ में, और 2 कैमरा और एक लाइडर सेंसर के साथ। अगर हम वेट की बात करें तो ये 488 ग्राम्स का है। इसका वेट सिर्फ 440 ग्राम्स है जो कि इससे 26 ग्राम्स हल्का है। बट इसका मेन कंपैरिजन एक आईपैड एयर है प्रो नहीं, बट मेरे पास में सिर्फ प्रो अवेलेबल है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा लेवरेज दे करके, बिकॉज प्राइस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसका प्राइस आईपैड से 1/4 कम है। इसमें हमें फेस आईडी मिलता है, 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। उसके अलावा इसमें स्टूडियो माइक भी मिलता है। इसमें हमें 4 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जो कि डॉल्बी एटमोस सपोर्ट करते हैं, और एक एक्सपेंडेबल मेमोरी स्लॉट भी मिलता है। इसमें हमें Type-C 2.0 मिलता है। इसमें हमें Type-C Thunderbolt 4 मिलता है, जिसका मतलब कि मैं इसको एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकता हूँ, हार्ड ड्राइव से कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब इसको एक प्रॉपर कंप्यूटर या एक लैपटॉप की तरह मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ। और वहीं ये सिर्फ एक हार्ड ड्राइव को या फिर पेन ड्राइव को या फिर ज्यादा से ज्यादा किसी और डिवाइस को चार्ज करने के लिए यूज हो सकता है। तो ये जो ओप्पो का पैड एयर है, इसकी जो एक्सेसरीज है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसको आप कवर लगाना चाहोगे, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना चाहोगे, एक पेंसिल लेना चाहोगे जो इनकी आती है, वो सब कुछ आप सिर्फ ओप्पो से ले सकते हो। मेरे केस में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं नेहरू प्लेस में घूम करके आया, मेरे को इसका कवर नहीं मिला, मेरे को इसका स्क्रीन गार्ड नहीं मिला, मेरे को उसकी पेंसिल जो इसका कंपैटिबल है वो नहीं मिली। अब हम आते हैं इनके प्रैक्टिकल यूज के बारे में। इसके प्रैक्टिकल यूज के बारे में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि इसका स्क्रीन रेशियो बहुत अच्छा है एंड ऊपर से इसके स्पीकर्स भी काफी ज्यादा लाउड है, और ऊपर से ये एंड्रॉइड में चलता है तो मैं इसके एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता हूँ
हूँ एंड मैंने वी एन डाउनलोड करके एक दो रील्स भी बनाई है जो कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दी है, बहुत इजीली बन गया बट 1080p में। तो थोड़ा सा गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, मतलब 15,000 के टैबलेट के हिसाब से तो काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, नो डाउट अबाउट दैट। पर रही बात आईपैड की, मैंने आईपैड इसलिए चूज किया था क्योंकि मेरे को इसमें ल्यूमा फ्यूजन मिलता है जो मेरी वीडियो एडिटिंग मेरा ऑन द गो काफी ज्यादा ईजी बनाता है क्योंकि मैं अपना पीसी हर जगह नहीं लेके जा सकता हूँ। इसका कवर मेरे को 1,000 रुपए में नेहरू प्लेस से मिल गया एंड मेरे को एप्पल स्टोर वाले भी इसका फोलियो दे रहे थे जो कि 30,000 का था, बहुत ज्यादा महंगा था। मैं देखता हूँ अभी किसी पड़ोसी की किडनी बेच करके एक लेकर के आऊंगा, व्हाइट कलर दूंगा कर लूंगा तो। बट उसके अलावा इसका स्क्रीन गार्ड मिलना, इसकी पेंसिल मिलना, इसके साथ में कवर मिलना हर दुकान पे अवेलेबल है, तो प्रैक्टिकल यूज में ये एक्सेसरीज में जीत जाता है। और ये चीज सिर्फ एक आईपैड प्रो के बारे में नहीं बट किसी भी एप्पल प्रोडक्ट के बारे में जायज होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा क्योंकि ये एक आईपैड प्रो की कैपेबिलिटी की रखता है अपने में, क्योंकि इसमें एक भी M1 चिप है जो कि 2021 के आईपैड प्रो में भी लगी हुई आ रही थी। तो ये बहुत इजी से बिना हीट करे, बिना किसी प्रॉब्लम के मेरे को ये सारी चीजें करने देता है। बस एक चीज की मेरे को इसकी एडिटिंग ऐप खरीदनी पड़ी थी जो कि काफी महंगा था क्योंकि ये एप्पल है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये टैबलेट एक्चुअल में काफी अच्छा है, डेली कंटेंट व्यूइंग करनी है तो मैं तुम्हें लाइट गेमिंग करनी है तो फिर कुछ भी इधर उधर का छोटा मोटा काम करना था। आई मीन 15,000 के हिसाब से इसका जो 2K डिस्प्ले मिल रहा है वो काफी ज्यादा स्मूथ और काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देता है। इनडोर बैठ करके तुम इसमें गेम्स खेलो, तुम इसमें नेटफ्लिक्स देखो, तुम अपना प्राइम देखो, तुम कुछ भी करो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसमें कंटेंट व्यूइंग बहुत अच्छी होती है, मैं इसको और स्ट्रेस नहीं कर सकता हूँ। तो जिस तरह हमारा ये ओवोपैड एयर सिर्फ 15,000 में कंटेंट व्यूइंग और लाइट ड्यूटी वर्क्स हैंडल कर सकता है, उसी तरीके से हमारे आईपैड प्रो 81,000 का होते हुए भी काफी ज्यादा एक लैपटॉप की जो मेरे को नीड थी वो खत्म कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर द कीपैड, क्योंकि वो मेरे को 30,000 का अलग लेना पड़ेगा तो बेसिकली 1,10,000 का हो जाएगा जो कि मेरे को नहीं करना है, मेरे पास दूसरा केस है। बेसिकली जो मैंने फोलियो का एक रिप्लेसमेंट ढूंढा वो है एक मैग्नेटिक सब कवर जिससे मेरे को एक कीबोर्ड भी मिल जाता है जो कि ब्लूटूथ से चलता है, एक पेंसिल रखने की जगह मिल जाती है और ऊपर से एक स्टैंड भी बन जाता है, तो काफी ज्यादा विन विन सिचुएशन थी। और ये मैंने 300 का खरीदा था। I mean, ठीक है यार, मैंने 80,000 का आईपैड ले लिया, बट मैं 30,000 का फोलियो नहीं खरीदने वाला हूँ। तो ये था मेरा टेक आईपैड और एक ओप्पो पैड एयर के बारे में, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था थोड़े टाइम से एक ओप्पो पैड एयर लेने का, क्योंकि मेरे घर वाले मेरा आईपैड लेकर के भाग जाते हैं।